खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर के मजामन मिर्जापुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुराने विवाद और एक तरफा प्रेम प्रसंग में युवक ने युवती पर भोर के वक्त धारदार हथियार से हमला करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। घटना की जानकारी पर पहुंचे परिजनों में जमकर हंगामा किया। वही घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और घटना की जाँच में जुट गई। आपको बताते चले, पूरा मामला बिदनौर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गाँव का। जान रहने वाले कदम सिंह नाम के एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 6 बेटियां और 1 बेटे के साथ रहते हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले रणधीर नाम के युवक से उनके खेत को लेकर विवाद चल रहा था। पूर्व में कई बार उनकी बेटी सीमा को रणधीर रोक कर बदसलूकी कर चुका था। उसकी शिकायत भी उन्होंने बिदनौर थाना और मजामन पुलिस चौकी में भी, मगर पुलिस ने उस वक्त कोई भी कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद आज भोर के वक्त जब उसकी बेटी गाय को चारा दे रही थी तभी रणधीर ने सीमा पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके चलते सीमा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बेटी की शव को खून से लथपथ देख परिवार में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पहुंची पुलिस ने आरोपी रणधीर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। पीड़ित परिवार की माने तो उनका कहना, यदि समय रहते आरोपी पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी होती तो आज उनकी बेटी की जान नहीं जाती। फिर एक साल कुछ नहीं हुआ, फिर मेरी बहन आगे आई थी तो उसे फरसा से काट दिया। हम पीछे आ रहे थे, पापा मेरे लैट्रिन चले गए थे, यहाँ पे कोई नहीं था। और दो तीन बार बेइज्जती भी किया, खेतों में भी छेका है मारने के लिए, दो तीन बार मारा भी है। सन्नाम रणधीर इनके लड़के भी मेरे रिपीट के मारा उल्टी सीधी जगह पे। और मैं दो तीन बार थाने बिदनू भी गई, मजान चौकी भी गई हूँ, तो कोई सुनाई नहीं हुई। आज क्या हुआ था? आज हुआ कि आगे मेरी बहन आई तो उसको फरसे से मारा पीछे। कितने समय की बात है ये? 6:30 बात। हम पीछे से आ रहे थे, वो पहले आगे आके सानी यहाँ पे करती थी तो फरसा से मार दिया हम पीछे। मेरे पापा लैट्रिन चले गए थे, यहाँ पे कोई नहीं था। सानी करते हुए के दौरान कोई बातचीत हुई थी क्या इनसे? बात सर कोई नहीं थी, बस आके मार दिया है। क्यों सभी तीन बार ऐसी घटना हो चुकी है? जैसे खेत जाती रहती है तो दो तीन लोग मतलब मिलकर उसको रास्ते में कुछ छेड़ते रहते हैं, तो फिर वो लोग घर में बताया तो पापा लोगों को कहा है, तो ये लोग फिर लड़ाई करते हैं तो पापा लोग अप्लीकेशन देते हैं तो पुलिस भी नहीं कुछ कहती है। पैसा उधर कुछ चौकी में कहूँ नहीं, आज मतलब ये जगह कहीं कुछ नहीं, बहुत बार लड़ाई की है। फिर उसके बाद आज हमारी बहन को सुबह अचानक आती थी, कुछ ना भी तो कुछ विवाद भी नहीं थी, अचानक मार दिया है। वो यहाँ खटिया डाल रही थी, फिर उसके बाद यहाँ गोबर में रपट गई तो वो गिर गई। पापा का नाम मतलब चाची चाचा कहते हैं तो उनका नाम भी ले रही है, ऐसे कहते हैं तीन वो हिस्सा वगैरह क्या बोलते हैं, उसे कुछ मार दिया है। तो किसने मारा था? रणधीर ने। ये है कौन रणधीर? अच्छा, इसके पहले कब मारपीट की, क्या कुछ मामला था? थोड़े दिन पहले भी, अभी 4-6 महीने हो गए। 4-6 महीने पहले सब भाई लोग भैया मारते हैं इन लोगों की, औरतें भी बहुत हुई थी। नहीं तो आपने शिकायत पुलिस को, पुलिस से की थी? नहीं की। पहले वाले प्रधान क्या रहा थी रही है? आपके अलावा किसी के साथ गांव में अभद्रता वगैरह लड़ाई वगैरह करते थे? सबके साथ करते हैं। अरे बीके साथ ये करते हैं, ये बंदूक चला दे सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये दूसरे परिवार के, हम लोग दूसरे परिवार के, तो हमारा जामन होगा वहाँ, हम वोट देंगे तुम्हारा जहाँ वहाँ, तो तुम्हें क्यों दुश्मनी? कार्रवाई हुई है पर कोई कुछ नहीं किया ना। ये अटवा मिर्जापुर गांव है, यहाँ पे हुई थी सुबह। एक हमें लोगों को एक सूचना मिली थी कि जो एक युवती है लगभग जो उनकी एज है 23-24 के आसपास, उनकी किसी जो एक व्यक्ति है गांव के ही व्यक्ति, उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। जो मुलजिम था उसको गांव के सहयोग, गांव के ही लोगों के द्वारा पुलिस उसको अरेस्ट भी कर लिया है, और परिवारजनों से हम लोगों ने जो तहरीर है वो भी प्राप्त कर ली है। इस पे मुकदमा लिखाया जा रहा है, और जो जिनकी मृत्यु हुई है उनका पोस्टमार्टम के लिए और सारी चीज़ों के लिए हमने उनको भेज दिया है। यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम भी आ गई, सारे अधिकारी भी आए थे। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कह दूंगा कि जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व होंगे उनको बहुत से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जैसे परिवारजनों ने पुलिस पर एक आरोप लगाया है कि कार्रवाई न करने पर, देखिए कुछ जो यहाँ के गांव के लोग भी हैं वो बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे जो चौकी इंचार्ज वगैरह थे उनका जो रवैया था वो ठीक नहीं था, तो उसकी भी हम लोग जाँच करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।